20 साल पहले, आज से 40 साल पहले बच्चेदानी के ऑपरेशन होते थे, नहीं होते थे। तो आज क्या है, आज से 20 साल पहले भी हम गेहूं खाते थे, आज भी हम गेहूं खा रहे, तो फर्क क्या है फिर इससे? आज भी 20 साल पहले एक इंसान दो हाथ दो पैर लेके जन्मता था, आज भी वही है। फिर ये चीज कहां से पैदा हो गई कि हमें बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना? ये बात सुरक्षा की इसलिए है क्योंकि मेरे घर भी मेरी मां है, मैं चाहता हूँ कि मेरा घर भी एकदम सुरक्षित रहे। तो सुरक्षा के लिए मोदी केयर ने आपको एक प्रोडक्ट दिया है बहुत ही शानदार, जिसका नाम है फ्रीडम। और फ्रीडम का मतलब होता है एकदम स्वतंत्र। आदमी हो या लेडी, और सबसे ज्यादा पीड़ा लेडीज को पीरियड्स के दौरान होती है। वो जितना चिड़चिड़ापन महसूस करती है, उसका खुद का बेटा भी उसे खाने को तोड़ता है, ये उन दिनों की प्रॉब्लम। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पैकिंग की। तो मोदी केयर के अलावा अगर मार्केट के पैक जो भी पैड यूज करते हैं सैनिटरी नैपकिन, उनकी पैकिंग कैसी आती है? एक बार खोलने के बाद क्या हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं वापस? नहीं, नहीं कर सकते ना। जो चीज खुली रहेगी तो क्या बाहर वातावरण में बैक्टीरिया नहीं है, वो इस चीज को इन्फेक्टेड नहीं करते? अगर हम खाने की कोई चीज खुला छोड़ेंगे तो क्या वो इन्फेक्टेड नहीं होगी? तो ये तो हमारे शरीर की सुरक्षा की बात, हम इसको खुला छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसको बंद करने के। पहली बात, मोदी के आपको जो भी प्रोडक्ट देगा फ्रीडम नैपकिन के पैकेट का, तो उसका सबसे पहले तो दरवाजा जो है वो इस प्रकार बनाया गया है कि कोई भी एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल चीज उसके अंदर, कोई भी वायरस अंदर नहीं जा सकती, तो अंदर रखी हुई चीज बिल्कुल सेफ है। जब भी हम इसको यूज करते हैं इसको खोलो और वापस निकाल के चिपका। दूसरी बात, हम बात करते हैं क्वालिटी की। आज सबसे ज्यादा विक्रय, हम लोग गुलाम हैं या आजाद देश में निवास करते हैं? गुलाम हैं, लेकिन आजाद देश में निवास करते हैं। हमारी 99% चीजें गुलामी के उन देशों से आती हैं जहां से आज तक हमने कुछ नहीं कमाया। हिंदुस्तान दुनिया के लिए सबसे बड़ा मार्केट है। हमारे जीने की आजादी जरूर हमें मिल गई, लेकिन घर में आने वाला 99% प्रोडक्ट उन देशों से आता है जहां जिन देशों ने कभी हमारे ऊपर राज किया था। इस कंपनी को जो बनाने वाली कंपनी है वो इंग्लैंड की कंपनी है, इसका नाम है पीएनसी। और हमारे घर में सुबह से लेकर शाम तक इस कंपनी के 20 प्रोडक्ट काम में आते। क्या हमारा देश का पैसा बाहर नहीं जा रहा? मोदी जी को कहते हैं कि 15 लाख कब आएंगे? दूसरी बात, बाहर से आया हुआ व्यक्ति क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। हमने सिर्फ टीवी पे देखा कि दो लेडीजें आती है वो बताती है, हम खरीद के ले आते, बात खत्म। क्या कभी आपने सोचा है कि प्लास्टिक पानी को सोखता है? नहीं ना। अगर आपने प्लास्टिक के अंदर कॉटन डाल दिया, उसके ऊपर पानी डालोगे, जब आप उसके ऊपर बैठोगे तो क्या वो पानी हमारे शरीर के अंदर नहीं जाएगा? जाएगा ना। अगर बाहर का ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड शरीर के अंदर वापस जाएगा तो शायद बेनिफिट करता हो। यही कारण है आज लेडीजों की बच्चेदानी का ऑपरेशन। अगर आपने किसी ने दैनिक भास्कर पढ़ा हुआ से 2 महीने पहले का, तो उसमें एक बात लिखी हुई थी कि चींटियों ने काट डाली कॉक को, कोई चींटी शरीर के अंदर चली गई और उसने पूरी बच्चेदानी को ही खत्म कर दिया। और चींटियों का मतलब वो वायरस। अब मैं किसी एक व्यक्ति को बुलाना चाहूंगा, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, देखो बात सुरक्षा की है तो किसी प्रकार की हमें हिचक नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी एक व्यक्ति मेरे पास आ सकता है, मोदी के करने मोदी कोई सुनने वाली बात नहीं है, अपने हर माँ बहन बेटी की सुरक्षा का सवाल है। मुझे ये बताओ कि बाहर का इसका जो आवरण है वो प्लास्टिक का है या फिर कागज का? ये प्लास्टिक का है। अच्छा, एक चीज और देखी क्या आपने? एक चीज और देखी आपने, जैसे मैंने इसको रिमूव किया पैड को तो ये सीधा बाहर आ गया, अब ये एकदम से खुला है। मोदी के आपको बाहर के आवरण के साथ साथ अंदर का भी एक आवरण देता है, ये भी बैक्टीरिया प्रोटेक्टेड है। इसके साथ ये आपको लॉक देता है जब हम इसको खोलते हैं, और इसको यूज में इसका डेमो करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि इसमें
और इसमें कुछ फर्क लग रहा है। और साइंस क्या कहती है कि एक लेडीज को, स्वस्थ लेडीज को, स्वस्थ लेडीज को पीरियड के दौरान 50 ml ब्लड रिलीज होता है हमारे शरीर से। और मार्केट के जो प्रोडक्ट हैं वो दावा करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट 50 ml अब्जॉर्ब करने की पावर रखता है। तो ये आज हम चेक करेंगे। अब हमारे पास मेजरमेंट के लिए एक हमने छोटा सा कप लिया है और इसमें लगभग कितना पानी आ सकता होगा? 10 ml, 15 ml, मैक्सिमम 15 ml तो आ ही सकता है, 20 ml। हमने इसको 20 ml मान लिया और एज ए मॉडल हमने ये हमने ब्लड माना है। क्या माना है? ब्लड माना है। अब हम देखेंगे कि साइंस जो कहती है, क्योंकि आज इंसान ये चाहता है कि मैं साइंस के अकॉर्डिंग अपने जीवन को यापन करूं, तो साइंस ये कहती है कि एक स्वस्थ महिला के ब्लड से, शरीर से 50 ml ब्लड रिलीज होता है पीरियड के दौरान। तो हमें कितना के डालना चाहिए इसमें? नहीं, कितना ml डालना चाहिए? 50 ml या उससे कम? 50 ml, क्योंकि साइंस कहती है। कितना डाल दिया मैंने? 20 ml। और इसमें कितना डाल दिया? 40 हो गए ना। तो एक बार मैं आपको बुलाना चाहूंगा, एक बार आप दोनों हाथों का ऐसे रख करके बताइए कि किस में नमी है और किस में ड्राईपन है। कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि जब ऑपरेशन हो जाता है तो सबको पता लग जाता है कि ऑपरेशन हो चुका है। अब दोनों का हाथ ऐसे डिप करना और पता करना है कि कौन से में गीलापन है और कौन से में ड्राईपन। इधर बताओ, आपको देखो, आप बताओ कि आपको क्या, कौन सा सूखा लग रहा है, कौन सा गीला लग रहा है? ये भी। अब ये तो बात हुई सिर्फ साइंस के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं साइंस से ऊपर। क्या इसमें हम और डाल सकते हैं? एक मिनट, इसमें और डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। इसमें कितना हो गया? अस्सी हो गया, लेकिन हो सकता है कि 5-10 ml बाहर गिर गया है, तो 70 ml मान सकते हैं। अब 70 ml इसकी अब्जॉर्प्शन पावर और इसकी अब्जॉर्प्शन पावर में फर्क महसूस करें। एक बार फिर से ट्राई करें। और ये अभी तक आपको क्या दे रहा है? बिल्कुल सूखा। कहने का मतलब 70 ml ब्लड रिलीज होने के बाद भी ये सूखापन, ड्राईपन महसूस कर रहा है। और जब भी कोई भी महिला बैठती है तो वो ब्लड हमारे शरीर के अंदर जाता है, और जाता है तो सबसे पहले हमारे जो बच्चेदानी है उसी के ऊपर अटैक करता है। बैक्टीरिया पैदा होंगे शरीर के अंदर तो श्योर है कि वो चीज तो खराब होनी है। रिजल्ट आता है कि 15 से 20 साल बाद हमें वो रिमूव करवानी पड़ रही है। और अभी 4 दिन पहले एम्स हॉस्पिटल दिल्ली का जर्नल अखबार में आया है, क्योंकि मैं अखबार में सिर्फ वही चीज पढ़ता हूँ जो हमारे साइंस से रिलेटेड है। तो उन्होंने ये कहा कि आज हिंदुस्तान में एवरेज 17 साल से लेकर 35 साल की एवरेज जो महिलाएं हैं उनके बच्चेदानी के ऑपरेशन सबसे ज्यादा हो। एक 17 साल की लड़की के बच्चेदानी का ऑपरेशन, क्या जिंदगी रह जाएगी उसकी? वो तो एक बोझ हो गई धरती के ऊपर। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा है मार्केट के प्रोडक्ट्स के कारण। अब बात करते हैं इसकी रेट की। क्वालिटी तो दे दी, वही बात है जैसे गुरुजी ने कहा कि क्वालिटी तो सही है लेकिन पैसा सबसे कम चाहिए। ये मार्केट का प्रोडक्ट बता रहा है कि 29 रुपए का प्रोडक्ट है, और कितने पैड देता है? 7 पैड दे रहे हैं।
अगर इस प्रकार के पैड हम यूज करेंगे तो दिन में 24 घंटे में दो, तो 29 रुपए का खर्चा हमारा और लगभग 3 से 4 दिन ये चीजें यूज होती है। तो क्या एक पैकेट एक महीने में यूज होता होगा? होता है। अगर एक महीने का एक पैकेट मतलब 29 रुपए का खर्चा हमने मान लिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मोदीकेयर का प्रोडक्ट जो है नैपकिन फ्रीडम, वो आपको 24 घंटे की प्रोटेक्शन देता है। अब 24 घंटे के लिए हम कितने पैड यूज कर रहे हैं? सिर्फ एक। तो 4 दिन में कितने पैड यूज हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो 4 दिन में 4 होंगे तो मोदीकेयर आपको एक पैकेट में 15 नैपकिन देते हैं। और ये प्रोडक्ट आपको मिलता है एमआरपी पे, और वही एमआरपी इस प्रोडक्ट की भी है, लेकिन इस प्रोडक्ट की एमआरपी के साथ 295 रुपए एमआरपी का आपको मिलता है। जैसा गुरुजी ने आपको बताया कि 50% तक का डिस्काउंट मिलता है, तो 295 रुपए का 50% अगर हम लगाएं तो कितना हो गया? 300 मान लो, 150 रुपए हो गया 50%। ये कितने का है? 29 रुपए का। और 5 महीने में अगर हमने इसको यूज किया तो कितने बन जाएंगे 5 महीने के? 150। लेकिन बात क्वालिटी की, क्या क्वालिटी के लिए हम 5 रुपए एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं? चलिए, सबसे ज्यादा पीड़ा महिलाओं को पीरियड के दौरान होती है। होती क्यों है, इसका कारण क्या, इसका भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसकी अब्सॉर्प्शन पावर मैंने एक तो आपको दिखा दी, अब ये देखो हल्का सा दबाव लगाया मैंने और सारा ब्लड रिलीज हो। मोदीकेयर का जो नैपकिन है वो अभी भी एकदम ड्राईपन है, है? कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में से जो भी ब्लड निकलता है वो इसे जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जेल फॉर्म। और ये जेल क्या हमारे शरीर में वापस जाएगा? नहीं जाएगा। तो बच्चेदानी सेफ रहेगी, हमारे शरीर का जो पार्ट है वो सेफ रहेगा। दूसरी बात, मोदीकेयर ने इसी प्रोडक्ट के अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट और दिया है कि महिलाओं के पीरियड के दौरान होने वाले पेन को कंट्रोल करने के लिए एक इसके अंदर चिप लगाई गई है, चिप लगाई गई है। अगर आप इसको डेमो टेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको बुलाना चाहूंगा एक बार, एक मिनट आप आइए तो सही। इन दोनों को देख के बताओ कि कौन सी में ताकत ज्यादा लगती है आपको, दोनों को देख के बताओ कौन से ताकतवर ज्यादा होंगे, इनमें ज्यादा है इनमें ज्यादा है? वैसे तो बराबर है ना, मतलब इनको ऐसा देख के लग रहा है कि इनमें थोड़े से स्टेबिलिटी स्टेमिना ज्यादा होगा, भाई लग रहा है ना, आंखों को पीछे ऐसे कर ऐसे ऐसे। आपको क्या करना है, अपने हाथ को पीछे धकेलना है और आपको अपने शरीर के पीछे जाने से रोकना है, ठीक है? थोड़ा सा आगे बोलो जाओ। हाँ, अब हाथ ऐसे लगा के और इनके शरीर को पीछे धकेलना, ये दबाव लगाए कि इनका शरीर पीछे ना आए, लगाओ। हाँ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ और लगाओ। अब मुझे क्या करना है, मैं इनके शरीर को ऐसे दबाऊंगा ये पीछे आएंगे, ठीक है? मतलब इनका शरीर क्या है, ये रोक नहीं पा रहे अपने आप, ठीक है? एकदम से थोड़ा सा जोर लगाओ, ठीक है? अब ये चिप क्या काम करती है, अगर हम इसका भी एक डेमो करें, अगर ये हमारे जो महिलाएं हैं घर की वो इस पैड को यूज करती हैं तो ये उनके स्टेमिना को बढ़ाता है। अब मैं दोनों, ठीक है?
मतलब इनका शरीर आपने देखा कोई मूवमेंट कर रहा हो, ये हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को और ऑक्सीजन को दोनों को मेंटेन करता है। थैंक यू सर। इसके और बहुत सारे डेमो हैं, जब कभी अगर घर में सर दर्द होने लग जाए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यूज किए हुए, लेकिन प्रेस अगर है हमारे पास और बार बार अगर दर्द हो रहा हो, हेडेक हो रहा हो, उसको निकालो और यहाँ लगाओ, दो मिनट में सर दर्द खत्म। कैसा लगा आपको मोदीकेयर का प्रोडक्ट? सवाल कोई गुंजाइश?